जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान। दोस्तों, आज मैं आपको श्री हनुमान जी को खुश करने के 10 उपाय बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भी हमारे सनातन परिवार का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि हनुमान जी इस दुनिया में अजर और अमर हैं। वो वायु रूप में इस पूरी दुनिया में विचरते रहते हैं और अपने भक्तों को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाने में तनिक भी समय नहीं लगाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि हनुमान जी को खुश करने के वो 10 उपाय कौन से हैं। तो हनुमान जी को खुश करने का पहला उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो भी एक ही जगह बैठकर और एक ही समय पर। दूसरा, हनुमान जी के समक्ष आप प्रतिदिन 3 कोने वाला दीपक जलाएं और दीपक में चमेली का तेल होना चाहिए। वैसे तो हमेशा पूजा में गाय के घी का दीपक जलाया जाता है, लेकिन अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं किसी मनोकामना पूर्ति के लिए, तो आप चमेली के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, हनुमान जी को खुश रखने का तीसरा उपाय है कि जब भी मौका मिले हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इसमें आप जनेऊ, लंगोट, सिंदूर, तुलसी की माला, ध्वज, चमेली का तेल, लाल फूल, कुछ भी सामग्री आप ले सकते हैं। चौथा उपाय है कि हनुमान जी का जो सिद्ध मंत्र है, आप रोजाना उसका 108 बार जाप करें। सिद्ध मंत्र मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बताया था, ओम श्री हनुमते नमः। जी हाँ दोस्तों, ओम श्री हनुमते नमः, इस मंत्र का रोजाना 108 बार आप जाप करें। दोस्तों, पांचवा उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान श्री राम के नाम का विधिवत जाप करें। आप राम राम की 108 माला भी कर सकते हैं। दोस्तों, छठा उपाय है कि आप मंगलवार या शनिवार या माह में कम से कम एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, और सुंदरकांड के साथ साथ बजरंग बाण का पाठ भी अवश्य करें। और दोस्तों, हमारा सातवां उपाय है कि हनुमान जी को मंगलवार, शनिवार या हनुमान जयंती पर पंचमेवा, केसरिया बूंदी के लड्डू, इमरती, बेसन के लड्डू, चूरमा, रोट, मालपुआ, मलाई, मिश्री के लड्डू आदि किसी भी चीज़ का आप भोग अवश्य लगाएं। और अगला उपाय है दोस्तों कि अगर हो सके तो मंगलवार का व्रत रखें, और यदि आप घोर संकट में हैं और हनुमान जी की पूर्ण भक्ति करना चाहते हैं, तो आपको मांस, मदिरा और सभी तरह के व्यसनों का त्याग करके ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए प्रतिदिन विधि विधान के साथ हनुमान जी का पूजा और उनके मंत्र के नाम का जाप करना चाहिए। और हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता की पूजा भी करनी चाहिए। और दोस्तों, हमारा नौवां उपाय है पान का बीड़ा। आपने सुना होगा और ये प्रचलित कहावत भी है, बीड़ा उठाना। इसका अर्थ होता है कोई महत्वपूर्ण या जोखिम भरा काम करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। यदि आपके जीवन में घोर संकट है या ऐसा कोई काम है जिसे करना आपके बस में नहीं है, तो आप अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दें। इसके लिए आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि रसीला बनारसी पान चढ़ाकर मांग लीजिए मनचाहा वरदान। और दोस्तों, हमारा दसवां और आखिरी उपाय है कि हनुमान जी को अक्सर गुड़ और चने का प्रसाद तो चढ़ाया ही जाता है, यह मंगल का उपाय भी है और इससे मंगल दोस्त भी समाप्त होता है। यदि आप कुछ भी चढ़ाने की क्षमता नहीं रखते या किसी कारण कुछ भी नहीं चढ़ा पाते, तो सिर्फ गुड़ और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों, इनमें से आप कोई भी उपाय करिए, हनुमान जी आपसे जरूर प्रसन्न होंगे और आपकी सभी परेशानियों को क्षण भर में दूर कर देंगे। और इस दोस्तों, अगर आपको ये उपाय पसंद आए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम लिखना मत भूलिएगा। और इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान।